हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं हॉलीडेज होमवर्क के बारे में। सो फर्स्ट होमवर्क है इंग्लिश। चिल्ड्रन विल डू वन पेज ऑफ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर राइटिंग इन द इंग्लिश नोटबुक। अटैच्ड इज अ पिक्चर फॉर योर रेफरेंस, राइट इन द लाइंस। तो सबसे पहले आपको इंग्लिश की कैपिटल और स्मॉल लेटर्स की राइटिंग करनी है डेली, ताकि आपको दोनों ही अल्फाबेट्स अच्छे से आ जाएं और आप उसे लाइंस में लिखना सीख जाएं। तो इस तरह से आपको अपनी कॉपीज पर लेटर्स लिखने हैं। सो ये देखिए बच्चों, यहाँ पर मैंने ए टू जेड लिख दिया है और जिसमें कैपिटल और स्मॉल दोनों लेटर्स हम साथ में लिखेंगे, ओके? और यहाँ पर मैंने हेडिंग में ए टू जेड डाला हुआ है और यहाँ पर डेट भी डाली है। जैसे कि आज की डेट है 11 और मंथ चल रहा है मई का, तो मई 5 नंबर पे आता है और ईयर चल रहा है 2023, तो हमने डाल दिया 11.5.23। सो आपको भी डेट डालना धीरे धीरे सीखना होगा, ओके? सो ये हमारा हो गया लेटर्स, जो कि आपको डेली वन पेज प्रैक्टिस करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। चिल्ड्रन विल प्रैक्टिस टू राइट देयर नेम एंड डेट एवरी डे। बच्चों को रोजाना अपने नेम की प्रैक्टिस करनी है, यानी कि अपने नाम की प्रैक्टिस इंग्लिश में, और उनको डेट डालना भी डेली प्रैक्टिस करना है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे, अगर बच्चे का नाम है सना, तो उसे अपने नेम की प्रैक्टिस इस तरह लिखकर और पूरे पेपर पे इसको नीचे प्रैक्टिस करना है। लाइंस का आपको बहुत ध्यान रखना है, कौन सा लेटर रेड वाली लाइन से शुरू होगा, कौन सा लेटर इस ब्लैक वाली लाइन के अंदर रहेगा, ठीक है? तो यू हैव टू फोकस ऑन लाइंस। सो इस तरह आपको अपने नेम की प्रैक्टिस पूरे पेपर पे करनी है डेली, जब तक आपको अपना नाम पूरा अच्छे से याद ना हो जाए, ओरल भी और रिटन में भी। जैसे कि SANA सना, तो ये लिखना भी आना चाहिए और सुनाना भी आना चाहिए। तो आपको अपना नाम इसी तरह से लिखना है और याद करना है। अब आती है डेट की बारी। जैसे कि आज 11th ऑफ मई है, तो हम डेट डालेंगे 11.5.23। इस तरह से आपको डेली डेट की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 3 इज, लर्न द फॉलोइंग इंग्लिश राइम्स गिवन इन द राइम बुक। फर्स्ट माई रेड बलून पेज नंबर 5, सेकेंड एन एलिफेंट पेज नंबर 6। तो बच्चों, आपको एक राइम बुक मिली है, उसमें से दो राइम्स इंग्लिश की, एक तो माई रेड बलून और दूसरी एन एलिफेंट। इसे बहुत अच्छे से एक्शंस के साथ याद करना है। क्वेश्चन नंबर 4। Children will complete writing of letters in effective English writing book, capital and small letters, complete the entire book. आपके पास एक English effective writing book है, जो आपको पूरी complete करनी है। Half आपकी पहले से done है और जितने भी letters उसमें से रह गए हैं, वो आपको complete करनी है। Your handwriting should be very neat and clean. तो अब आते हैं नंबर वर्क पे, यानी मैथ्स पे। 1 ओरल काउंटिंग 1 to 50। आपको काउंटिंग याद करनी है 1 to 50, ओके? जैसे कि आपको सुनाने में आसानी हो। याद कैसे करनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. इस तरह से आपको 1 टू 50 बहुत अच्छे से याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, काउंटिंग 1 टू 40 अंडर टेंस वंस रिटन। आपको काउंटिंग लिखने की प्रैक्टिस करनी है 1 से लेकर 40 तक, और आपको इसको टेंस और वंस के अंडर लिखना है। जैसे टुडे इज 11 मई, काउंटिंग 1 टू 40। ओके, पेरेंट्स बच्चों को हेडिंग डाल के देंगे, उसके बाद बच्चे उसमें काउंटिंग करेंगे। टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस, टेंस वंस। ओके, और यहां पर एक डॉट लगा देंगे ताकि बच्चों को पता रहे कि हमें यहां से लिखना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। अब बच्चों टेन, जब टेन आता है तो काफी बच्चे अक्सर इसी बॉक्स में टेन लिख देते हैं, और या तो वन यहां लिखते हैं और जीरो आगे बढ़ा देते हैं। तो बच्चों हमें ऐसा नहीं करना है, जब हम टेन लिखेंगे तो हम एक बॉक्स पीछे चले जाएंगे, ठीक है? तो वन यहां पर और जीरो यहां पर। ओके, सो यू हैव टू राइट लाइक दिस, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. ओके बच्चों, तो आपको इस तरह से काउंटिंग 1 टू 40 रोजाना प्रैक्टिस करना है अपनी मैथ्स की कॉपी में, और आपको इन सभी कामों के लिए एक 3-in-1 कॉपी बनानी है, और उसी में आपको ये सब वर्क करना है। क्वेश्चन नंबर 3, रिवीजन ऑफ प्री नंबर कॉन्सेप्ट्स, हैवी एंड लाइट, मोर एंड लेस, लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिग एंड स्मॉल। सो इस तरह से आपको प्री नंबर कॉन्सेप्ट के बारे में जानना है और प्रैक्टिस करनी है। अब आता है हमारा सब्जेक्ट EVS। क्वेश्चन नंबर 1, जनरल अवेयरनेस रिलेटेड टू देयर सराउंडिंग्स, एटिकेट्स, गुड हैबिट्स, सेफ्टी एटसेट्रा। आपको अपने आसपास के माहौल के बारे में जानना है, एटिकेट्स हमें किस तरह से बिहेवियर करना चाहिए, हमें एक दूसरे के साथ किस तरह से मैनर्स में पेश आना चाहिए, हमारी गुड हैबिट्स कौन कौन सी हैं, और हमें सेफ्टी का ध्यान कैसे रखना चाहिए, यानी कि हमें अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करना चाहिए, उसके बारे में भी आपको जानना है। क्वेश्चन नंबर 2, विजिट टू प्लेसेस लाइक जू, म्यूजियम, पार्क्स, अदर प्लेसेस एंड टॉक अबाउट देम। आप लोग अपने पेरेंट्स या एल्डर के साथ जू, म्यूजियम, पार्क्स, अलग अलग तरह की जगहों पर जाइए और वहां के बारे में जाकर इंफॉर्मेशन लीजिए और वहां पर जाकर एंजॉय कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, चिल्ड्रन शुड नो फ्यू मॉरल स्टोरीज लाइक द हेयर एंड टॉर्टोइस एंड दो मित्र, नैरेट देम एवरी डे। आपको कुछ मॉरल स्टोरीज के बारे में जानना है और अपने बड़ों से इसकी कहानी सुननी है, जैसे कि द हेयर एंड द टॉर्टोइस और दो मित्र।
ये दो कहानियां आपको अपनी बुक राइम बुक के सबसे पीछे मिल जाएगी। अब आता है सब्जेक्ट हिंदी। बच्चे रोजाना छोटा आ से आहा तक पुस्तक अक्षर माधुरी में पढ़ेंगे। आपके पास बच्चों एक अक्षर माधुरी की बुक है जिसमें छोटा आ से आहा तक लिखा हुआ है, तो आपको उसे रोजाना रीडिंग करनी है। जैसे कि छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, इस तरह से आपको छोटा आ से आहा तक याद करना है और रीडिंग लगानी है। छोटा आ से उ तक लिखने का अभ्यास रोज कॉपी में करेंगे। जैसे आपको इसके लिए हिंदी की कॉपी ओपन करनी है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। इस तरह से आपको डेली अपनी हिंदी की हॉलिडे होमवर्क की कॉपी में प्रैक्टिस करना है। जिन बच्चों को लेटर्स लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है वो इस तरह से भी लिख सकते हैं। जैसे पेरेंट्स बच्चों को कॉपी में ऊपर इस तरह से लिख कर दे देंगे और बच्चे नीचे उसे कॉपी करेंगे। अगर बच्चों को अभी लाइंस की प्रैक्टिस नहीं है तो पेरेंट्स उनको इस तरह से डॉट लगा के दे देंगे और सिखा देंगे कि उन्हें इन डॉट्स के अंदर बनाना है। तो इस तरह से बच्चे पूरा कॉपी करेंगे। ये देखिए, इस तरह से भी आप डेली प्रैक्टिस करवा सकते हैं जिनको लेटर्स लिखने में ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। और जिनको प्रैक्टिस हो जाएगी वो डायरेक्ट इस तरह लिखेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ। पाठ्य पुस्तक से कविता याद करें। आपके पास बच्चों जो राइम बुक है उसमें आपको हिंदी कविता याद करनी है। पहला है दुनिया गोल, जो कि पेज नंबर 19 पर है, और मछली पेज नंबर 20। ये दोनों कविताएं आपको बहुत अच्छे से एक्शंस के साथ याद करनी है। अब आता है सब्जेक्ट उर्दू। अलिफ से गैन तक के हरूफ की शिनाख्त करवाएं। आपको अलिफ से गैन तक के हरूफ अच्छे से याद करने हैं और उसे पहचानना है और अपनी बुक से डेली उसको पढ़ना है। जैसे कि अलिफ से अनार, बे से बिल्ली, पे से पतंग, ते से तितली, टे से टमाटर, से समरफल, जीम से जूता। इस तरह से आपको अलिफ से लेकर गैन तक रोजाना रीडिंग लगानी है और हरूफ को पहचानना है। अलिफ से गैन तक लिखने की मश्क करवाएं और अलिफ से गैन तक आपको लिखने की प्रैक्टिस भी डेली करनी है। जैसे तो बच्चों, आपने जो हॉलीडे होमवर्क कॉपी 3-in-1 बनाई है उसमें जो हिंदी की साइड है उसी के सबसे पीछे वाला जो साइड होता है वहां पे आप उर्दू करेंगे। तो हम लिखेंगे सबसे पहले डेट 11 मई 2023। तो बच्चों, आपको पता है कि हम उर्दू राइट हैंड साइड से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम,
चे हे खे दाल डाल जाल रे अड़े जे ये सीन शीन स्वाद ज्वाद तोय जोय आइन गैन। तो बच्चों इस तरह से आपको अलिफ से लेकर गैन तक की प्रैक्टिस डेली करनी है अपनी उर्दू की कॉपी में। नोट, ऑल रिटन प्रैक्टिस वर्क विल बी डन इन अ सेपरेट 3-in-1 नोटबुक। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको हॉलीडे होमवर्क करने के लिए एक न्यू 3-in-1 कॉपी खरीदनी है जिसमें कि हिंदी इंग्लिश मैथ्स और उर्दू आपको करना है। तो बहुत अच्छे से आप लोग होमवर्क कीजिए और अपने हॉलीडेज को एंजॉय कीजिए। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी हॉलीडेज। छोटा आ से आहा, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा उ, बड़ा उ, री से ऋषि, ए, ए, ओ, आओ, अंग, आहा, छोटा आ से अनार, बड़ा आ से आम, छोटी ई से इमली, बड़ी ई से ईक, छोटा ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, री से ऋषि, ए से एड़ी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, आहा खाली।